सो गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड योर होमवर्क टूडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर पेजेस फ्रॉम द बुक फ्रॉम द चैप्टर बी माई मल्टीपल आई विल बी ऑर फैक्टर सो लेटर स्टार्ट आर वीडियो बेटा जी हम पेज नंबर 91 करेंगे सबसे पहले आपको 3 एंड 5 के कुछ कॉमन मल्टीपल्स के बारे में सिखाया गया है जैसे कि कोई भी एक नंबर सोचिए रैपिडली वो अगर थ्री का मल्टीपल है यू विल राइट इन रेड फाइव का है तो फाइव में लिखेंगे तो मैंने कुछ नंबर सोचे जो कि मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बट सम नंबर्स आर देयर दैट आर कॉमनली बिटवीन थ्री एंड फाइव तो कॉमन मल्टीपल्स क्या कहलाते कॉमन नंबर कॉमन मल्टीपल्स वो मल्टीपल होंगे सी ए कॉमन मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स हैं जो थ्री एंड फाइव दोनों के मल्टीपल्स होंगे जैसे कि फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाइव एटसेकट्रा सम नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ बोथ थ्री एंड फाइव तो उनको हम क्या बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स ठीक है तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपको यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चा फिफ्टीन सो यू विल राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज फिफ्टीन तो फिफ्टीन इन दोनों का क्या बन जाएगा एलसीएम एलसीएम का मतलब क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन एलसीएम ही क्यों लिखा क्योंकि फिफ्टीन से कोई भी ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो उन दोनों के बीच में कॉमन हो और एलसीएम क्या कहता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ठीक है अब ये कह रहे हैं कि आप टू और सेवन के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं उनके बीच में कौन से आएंगे कॉमन फोर्टीन ट्वेंटी एट फोर्टी टू ऐसे बहुत से नंबर हैं जो उन दोनों के बीच में भी कॉमन आएंगे जैसे कि फिफ्टी सिक्स क्योंकि इवन नंबर हैं तो वो टू की टेबल में तो आएंगे तो जितने भी सेवन की टेबल में इवन नंबर आते हैं यू कैन राइट हेयर फोर्टीन ट्वेंटी एट फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स देन सेवेंटी ऑल्सो तो जो भी सेवन की टेबल में इवन नंबर आते हैं यू कैन राइट विद कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू बिना सोचे आप लिख सकते हैं क्यों क्योंकि ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ टू टू के सभी के सभी इवन नंबर मल्टीपल होते ही होते हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अब इन्होंने तीन सर्कल्स ले ली अभी हम दो की बात कर रहे थे अब हमारे कितने हो गए थ्री सर्कल्स हो गए ठीक है तो हमें मल्टीपल्स लिखने हैं व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फाइव एंड सिक्स डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट ग्रीन पार्ट किसके लिए है फाइव एंड सिक्स के लिए क्यों ये फोर के लिए नहीं है क्योंकि देखिए इसमें फोर का सर्कल रेड है रेड की तो कोई बाउंड्री नहीं है तो ये फाइव एंड सिक्स के लिए सिमिलरली ये किसके लिए है ये फोर एंड फाइव के लिए है और ये पार्ट किसके लिए है सिक्स एंड फोर के लिए और ये जो पार्ट है ग्रे पार्ट दिस इज़ फॉर ऑल द थ्री एंड फाइव तो अब हमें बताना है कि फाइव और सिक्स के बीच में कौन कौन से कॉमन है क्या आप मुझे बता सकते हैं फाइव और सिक्स के बीच में कौन कौन से कॉमन आएंगे बच्चा यस आप बता सकते हैं वेरी गुड थर्टी आएगा एक तो कॉमन और कौन सा आ सकता है फाइव और सिक्स के बीच में कॉमन मल्टीपल सिक्सटी आ सकता है कॉमन मल्टीपल ठीक है आप टेंथ प्लेस तक कर रहे हैं तो टेंथ प्लेस तक कर लीजिए अगर आप आगे जाएंगे तो आपको और भी मिल जाएंगे जैसे कि वन हंड्रेड ट्वेंटी भी मिलेगा आपको ठीक है वन हंड्रेड ट्वेंटी से पहले भी बहुत से नंबर है जो आपको कॉमन मिल जाएंगे और अगर आप बात करें सिक्स और फोर में कॉमन कौन कौन से आते हैं तो सिक्स और फोर में बचा ट्वेल्व आता है ट्वेंटी फोर आता है मल्टीपल्स की बात हो रही है यहाँ याद रखिए फैक्टर्स की नहीं हो रही है सिक्स होता ट्वेल्व होता है ट्वेंटी फोर होता है देन थर्टी सिक्स भी होता है और कौन से हो सकते हैं आगे अगर आप जाएंगे तो फोर्टी एट भी आपको कॉमन मिलेगा और आगे जाएंगे तो सिक्सटी भी कॉमन मिलेगा ऐसे ही फोर एंड फाइव के बीच में कौन कौन से कॉमन हो सकते हैं बच्चे फाइव और फोर के बीच में होंगे ट्वेंटी कॉमन होगा उसके बाद फोर्टी कॉमन होगा देन आगे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सिक्सटी भी कॉमन होगा देन आगे जाएंगे तो एट्टी भी कॉमन मिलेगा तो ऐसे सो मैनी आर देयर दैट आर कॉमन बिटवीन फोर एंड फाइव ठीक है अब हम बात करते हैं वट कॉमन मल्टीपल्स फाइव एंड सिक्स डिड यू राइट इन अ ग्रीन पार्ट हमने ग्रीन पार्ट में कौन कौन से लिखे हैं थर्टी सिक्सटी वन हंड्रेड ट्वेंटी वट कॉमन मल्टीपल्स फोर एंड सिक्स हैव ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ फोर एंड सिक्स एंड फाइव आप इन सब की किस में लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ग्रे पार्ट में किस पार्ट में लिखेंगे बच्चा ग्रे पार्ट में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फोर सिक्स एंड फाइव हैव अब आपको बताना है फोर सिक्स और फाइव में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है देखिए ट्वेंटी क्या ट्वेंटी सब में आए नहीं है तो आप नहीं लिख सकते तो उसके बाद अगर आप जाएंगे तो कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है थर्टी छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन आप थर्टी भी नहीं लिख सकते क्योंकि फोर एंड फाइव में कॉमन है देन यू कैन ईजिली सी द सिक्सटी सिक्सटी आपको तीनों में दिखाई दे रहा है तो यू विल राइट द सिक्सटी इज द एल्सियम ऑफ फोर सिक्स एंड फाइव तो क्योंकि ये इन तीनों के अंदर कॉमन है नाउ वन पजल इज देयर सुनीता टुक टर्माइट टर्मेरेंट सेड टर्मिनेंट सीड्स कौन से होते हैं इमली सीड्स शी मेड ग्रुप ऑफ फाइव विद दैम एंड फाउंड दैट वन सीड वाज लेफ्ट ओवर शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ सिक्स एंड ग्रुप ऑफ फोर ईच टाइम वन सीड वाज लेफ्ट ओवर वट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैव यानी कि वो कह रहे हैं कि सुनीता के पास कुछ इमली के सीड्स हैं ठीक है वो ना उनके ग्रुपिंग बनाना शुरू करती है तो सबसे पहले वो बनाती है फाइव की फिर बनाती है सिक्स की फिर बनाती है फोर की लेकिन ईच टाइम वन सीड लेफ्ट ओवर एक सीड हमेशा बच जाता है तो हमें बताना उसके पास कितने सीड हो सकते हैं देखिए फाइव की ग्रुपिंग का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव वो एक जगह फाइव इमली की सीड डालते, है ऐसे ही वो एक जगह फाइव इमली की सीट डालती ऐसे ग्रुप करती है लेकिन लास्ट में क्या बच जाता है वन बच जाता है सिमिलरली जब वो सिक्स के करती है तो सिक्स के भी करती है ऐसे ग्रुपिंग बनाती है लेकिन जब वो सिक्स की भी ग्रुपिंग बनाती है तो आखिरी में भी क्या बच जाता है वन लेफ्ट ओवर बच जाता है ऐसे ही अगर वो फोर की ग्रुपिंग बनाती है तो भी लास्ट में क्या बच जाता है उसका वन लेफ्ट ओवर बच जाता है यानी कि एक इमली का सीड हमेशा ग्रुप से बाहर रह जाता है तो हमें बताना है कि उसके पास स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट का मतलब है लीस्ट लीस्ट क्या होता है फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर होता है हाईएस्ट मल्टीपल होता है लीस्ट याद रखिएगा फैक्टर होता है बच्चा हाईएस्ट और मल्टीपल होता है हमारा लीस्ट तो हमें मल्टीपल बताना है या स्मॉलेस्ट बताना है दैट इज लीस्ट तो अब हम क्या करेंगे सिक्स फोर और फाइव का एलसीएम निकालेंगे सिक्स फोर फाइव का एलसीएम निकालते हैं सिक्स फोर फाइव यानी कि ग्रुप कितने नंबर्स का बन सकता है देखिए टू थ्री टू फाइव ऐसे ही निकालना सिखाया आपको वन फाइव थ्री वन वन फाइव एंड देन फाइव सब में वन वन आ गया तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको टू टू फोर फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव सिक्सटी यानी कि एलसीएम कितना आया सिक्सटी यानी कि सिक्सटी का तो ग्रुप हमेशा बन जाता है लेकिन हमेशा क्या बचता है वन बचता है तो यानी कि उसके पास कितने टर्मेट किस इमली के सीड्स है सिक्सटी वन सीड्स हैं कितने सीड्स हैं सिक्सटी वन सीड्स हैं नेक्स्ट पेज पर है आमनी इज अरे ट्वेल्थ और सीड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल ट्वेल्व को आपको अरेंज करना है तो ट्वेल्व को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक तो वन इंटू ट्वेल्ल के तरीके से एक ट्वेल्व इंटू वन से एक टू इंटू सिक्स से एक थ्री इंटू फोर से ठीक है ना आप ऐसे कर सकते हैं ना बच्चे वन इंटू ट्वेल्व का मतलब है एक ही बारी में आप ट्वेल्व के ट्वेल्व सीड्स अरेंज कर देंगे थ्री इंटू फोर का मतलब है थ्री के चार ग्रुप बनाएंगे और फोर इंटू थ्री का मतलब क्या हो जाएगा कि फोर ग्रुप बनाएंगे कितने कितने के थ्री थ्री के ग्रुप बनाएंगे ठीक है तो आप ट्वेल्व को कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स तरीकों से आप उसको अरेंज कर सकते हैं अब इन्होंने बोला इफ दे आर आर फिफ्टीन तो फिफ्टीन होंगे तो कैसे बनाएंगे एक उन्होंने दिखाया आपको फिफ्टीन बना के कैसे बनाया उन्होंने फिफ्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ये तो ट्वेंटी का ग्रुप बनाया है उन्होंने तीन को कैसे अरेंज करेंगे फिफ्टीन के फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं यहाँ पर फैक्टर्स की बात होगी अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था किस में होता है फैक्टर्स में टोटल नंबर ऑफ सीड्स निकाले थे तो हमने एल सी एम निकालना बट अगर अरेंजमेंट निकालना है तो हमें फैक्टर्स निकालने होंगे फिफ्टीन के फैक्टर्स क्या होते हैं वन थ्री फाइव फिफ्टीन तो इन इनको यूज करके हम अरेंज कर सकते हैं वन इंटू फिफ्टीन थ्री इंटू फाइव एंड वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं इनका अब नीचे कुछ, कुछ आपको एक्टिविटी दी है कलरिंग द ग्रिड ग्रिड दे रखा है आपको इन द ग्रिड देयर इज ए रेक्टेंगल मेड अप ऑफ ट्वेंटी बॉक्सेस ट्वेंटी बॉक्सेस का एक रेक्टेंगल है द विथ ऑफ रेक्टेंगल इज टू व्हाट इज द लेंथ अगर विर्थ चौड़ाई उसकी दो है तो उसकी लेंथ कितनी है ट्वेंटी का बनाना है तो दो को किससे मल्टीप्लाई करें टेन से वेरी नाइस टेन से करेंगे तो वी गेट ट्वेंटी एज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अब ये कह रहे हैं क्या हम ट्वेंटी किसी और तरीके से भी बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं वन इंटू ट्वेंटी से भी बना सकते हैं फोर इंटू फाइव से भी बना सकते ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को फॉलो करके हम बना सकते हैं तो आपको इसमें बनाकर शो करने डिफरेंट डिफरेंट

हैव इफ शी मे एक ग्रुप ऑफ वन बैंगल ईच अगर वो एक ही बैंगल का एक ही बैंगल रखेगी एक ग्रुप में तो उसके पास कितने ग्रुप हो जाएंगे एटीन ग्रुप हो जाएंगे क्योंकि वन इंटू एटीन इज इक्वल्स टू एटीन तो एटीन ग्रुप्स हो जाएंगे अब आपको क्या करना है ग्रुप्स जो है नंबर ऑफ बैंगल्स के साथ लिखने हैं जैसे अगर डिफरेंट ग्रुप वीकेंड में एक एटीन के लिए कौन कौन से बना सकते हैं वन का टू का थ्री का सिक्स का नाइन का एटीन का ट्वेंटी फोर के लिए कौन कौन से बना सकते हैं वन टू जो फैक्टर हैं सिर्फ वही लिखेंगे थ्री फोर सिक्स एट ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ऑल द फैक्टर्स कैन बी यूज इन अरेंजिंग द बैंगल्स फाइव के लिए वन फाइव नाइन के लिए वन थ्री नाइन सेवन के लिए वन सेवन एंड नाउ यू हैव टू दिस टेबल नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कम्प्लीट द मल्टीप्लीकेशन चार्ट गेवन है आपको सिर्फ कम्प्लीट करना है मल्टीप्लीकेशन चार्ट कैसे वन इंटू वन दैट इज़ वन टू 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 ऐसे ही अगर सिक्स से करेंगे तो ट्वेल्व आ गया थ्री से करेंगे तो यू विल गेट द फैक्टर्स वेअर द सेम नंबर यू विल गोट ठीक है लुक एट द गेन ग्रीन बॉक्सिस इन द चार्ट दी शो हाउ कैन वी गेट ट्वेल्व बाई मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स आपको यहाँ से फैक्टर्स पता चल रहे ट्वेल्व के कौन कौन से हुए एक तो ये आ रहा है दैट इज सिक्स एंड टू फिर ये आ रहा है थ्री एंड फोर देन यू विल गेट फोर एंड थ्री देन यू विल गेट सिक्स एंड टू तो आपको पता लग रहा है कि ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या है आप किसी भी नंबर के पता कर सकते हैं इसे फैक्टर कैसे पता कर सकते हैं जैसे मान लीजिए फोर निकालना आपको आपने किया टू टू फोर यहाँ आया आपका फोर ठीक है लेकिन आपका फोर यहाँ भी तो आएगा वन से फोर मल्टीप्लाई करते और फिर यहाँ भी आएगा फोर यानी कि फोर के फैक्टर्स कौन कौन से हुए वन टू एंड फोर कौन कौन से हुए वन टू एंड फोर नाउ वट आर द फैक्टर्स ऑफ द टेन टेन के फैक्टर्स आप बता सकते हैं ईजीली वन टू फाइव एंड टेन कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट हम चार्ट से कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके वट आर द फैक्टर ऑफ थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स के वन टू थ्री फोर देन सिक्स देन नाइन एंड देन रिवर्स करना स्टार्ट कीजिए थर्टी सिक्स को सिक्स ही आएगा फोर की टेबल पर नाइन नाइन और थ्री की टेबल पर ट्वेल्व देन ट्वेंटी थ्री सॉरी एटीन देन थर्टी फैक्टर ऑफ थर्टी सिक्स फाइंड आउट ऑल द फैक्टर ऑफ थर्टी सिक्स फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन चार्ट आप इससे निकाल सकते हैं थर्टी सिक्स के फैक्टर आप मल्टीप्लाई करके देखिए जहां जहां थर्टी सिक्स आता उनको सर्कल कीजिए एंड देन यू विल राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द थर्टी सिक्स वट यू कैन डू फॉर द बिगर देन दैट अगर आपका नंबर इन ट्वेल्व से बाहर चला जाता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे आप रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं हम तो टेन तक ही देखते हैं टेन के बाद हम क्या करते हैं रिवर्स काउंटिंग राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी फाइव इन रेड सर्कल एंड फैक्टर ऑफ थर्टी फाइव इन ब्लू सर्कल ट्वेंटी फाइव के फैक्टर लिखे हैं वन फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है यही होंगे थर्टी फाइव के वन और कौन सा हो सकता है थर्टी फाइव का फाइव देन सेवन एंड देन थर्टी फाइव वट आर द फैक्टर दैट यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट अब कॉमन में कौन कौन से आएंगे जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं वन एंड फाइव दीज आर द कॉमन फैक्टर अब एच सी एफ क्या बन सकता है इसका एच सी एफ बनेगा इन दोनों में से लार्जेस्ट दैट इज फाइव ठीक है अब फोर्टी एंड सिक्सटी का यू विल डू बायोर सेल्फ नाउ कमिंग टू द फैक्टर ट्री मेथड फैक्टर ट्री इज अ वेरी सिंपल ट्री बहुत आसान और बहुत मजेदार है फैक्ट्री आप सबको आ भी गया होगा जैसे कि हम नंबर्स को तोड़ना शुरू करते हैं तोड़ते कैसे जैसे 24 हमारी मर्जी है 24 किसी भी टेबल पे हम लिख सकते हैं जैसे मैंने यूज कर लिया 24 फोर थ्री और एट की टेबल मुझे पता है थ्री एट ट्वेंटी फोर होता है अब थ्री को हम तोड़ सकते हैं आगे थ्री को अगर हम तोड़ेंगे तो वन पे ही टूटेगा लेकिन हमें वन का तो जरूरी नहीं है तो अब हम आगे चलते एट को तोड़ सकते हैं बिल्कुल तोड़ सकते हैं किन किन में टू एंड फोर फिर टू को तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते फोर को यस टू एंड टू अब हम टू और टू को तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते तो हमारा आंसर क्या होगा थ्री मल्टीप्लाई विथ टू मल्टीप्लाई विथ टू मल्टीप्लाई विथ टू यू ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर को मैंने प्राइम नंबर के अंदर तोड़ दिया ठीक है और कौन सा तरीका ले सकते हैं ट्वेंटी फोर के लिए हम सिक्स एंड फोर सिक्स फोर भी ट्वेंटी फोर होता है फोर को तोड़ा टू टू सिक्स टूट सकता है बिल्कुल टूट सकता है टू एंड थ्री क्या आगे ये नंबर टूट सकते है? नहीं तो हम इसको यही छोड़ देंगे क्या मिला टू थ्री टू टू क्या यही सेम था यस यही ये सेम था और किस तरीके से हम ट्वेंटी फोर को तोड़ सकते हैं ट्वेल्व एंड टू टू को आगे नहीं ब्रेक कर सकते ट्वेल्व को कर सकते हैं सिक्स एंड टू सिक्स को टू एंड थ्री आप किसी भी वे में तोड़िए आप लास्ट में हमेशा बराबर के प्राइम नंबर्स पर ही पहुंचेंगे देर इज ए गार्डन इन अनू हाउस इन द मिडल ऑफ द गार्डन देर इज ए पाथ अनु के घर में एक गार्डन है उसके बीच में एक रास्ता है ठीक है दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग द टाइल ऑफ लेंथ टू फीट थ्री फीट एंड फाइव फीट उन्होंने क्या सोचा है कि हम इस रास्ते को टाइलिंग कर देते हैं टाइल लगा देते हैं हमारे घर पे भी लगाते हैं हम टाइल तो उन्होंने टाइल की लेंथ क्या ली टू फीट थ्री फीट एंड फाइव फीट द मैसोन टाइल मैसोन क्या होता है मिस्त्री ठीक है tile the first row with 2 feet tiles usne mason tiled the first row with 2 feet the second row with 3 feet the mason has now uh, and the third row with uh, 5 feet the mason has not cut any of the tile then what is the shortest length of the path अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ पूछा है शॉर्टेस्ट का मतलब मैंने आपको अभी बताया था बच्चा कि हाईएस्ट में हम फैक्टर फाइंड करेंगे और शॉर्टेस्ट पूछा गया तो हम क्या फाइंड करेंगे एलसीएम ये कह रहे हैं उसने एक रस्ते में टू थ्री फाइव फीट की टाइल्स लगाई लेकिन कट कोई भी नहीं की यानी कि एक ऐसा रास्ता है जो कि टू से भी डिवाइड होता है थ्री से भी और फाइव से भी दैट मीन्स वो उसका क्या है एलसीएम है तो अगर आप टू थ्री फाइव का एलसीएम फाइंड करेंगे टू थ्री फाइव यू विल फाइंड द एलसीएम लाइक दिस अप टू एलसीएम का मतलब लास्ट तक तो यानी कि आखिरे तक जाएंगे टू थ्री सिक्स सिक्स फाइव थर्टी तो दैट मीन एलसीएम इज थर्टी तो फीट की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या है थर्टी फीट कितनी है थर्टी फीट थर्टी फीट का रास्ता है तभी तो उसपे टाइल्स ये बराबर आ चुकी हैं ठीक है मनोज हैज मेड ए न्यू हाउस ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर द साइज ऑफ द रूम इज नाइन फीट ट्वेल्व फीट नाइन 12 ट्वेल्व फीट अब मनोज है उसने एक रूम बनाया जिसका एरिया क्या है नाइन फीट बाय ट्वेल्व फीट ठीक है तो वो मार्केट से टाइल खरीदने गया एक तो उसको ये टाइल मिली है वन फुट बाय वन फुट दूसरी टू बाय टू देन थ्री बाय थ्री तो अब हमें बताना है कि वो अपने कमरे को टाइल लगाने के लिए कौन सी टाइल सही से खरीदे कि उसे टाइल्स को कट नहीं करना पड़े कट नहीं करना पड़े तो बेटा टाइल वही लगेगी जो इन दोनों का फैक्टर जो इन दोनों का फैक्टर है अब हम मल्टीपल क्यों नहीं ढूंढ रहे क्योंकि हमें लगानी नहीं है हमें सेलेक्ट करनी है अरेंज करनी है तो हम क्या ढूंढेंगे इनका फैक्टर तो नाइन का फैक्टर क्या होता है वन थ्री नाइन ठीक है और ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चा? ट्वेल्व के फैक्टर्स होते हैं वन थ्री फोर ट्वेल्व सॉरी सिक्स भी सिक्स एंड टू ऑल्सो देयर ठीक है अब देखिए अगर वो वन फीट की खरीदेगा तो वन बाय की तो ओके है दोनों में कॉमन है चल जाएगी लेकिन अगर उसने टू फीट की खरीदी तो टू फीट तो ट्वेल्व में नाइन में तो है ही नहीं तो यानी कि उसे कटिंग करनी पड़ेगी नाइन में ठीक है कटिंग करनी पड़ेगी उसे नाइन में लेकिन हमें तो कटिंग करनी ही नहीं है अब वो देखो अब उसके पास और, और कौन सा ऑप्शन है थ्री का क्या थ्री दोनों में कॉमन है यस थ्री इज कॉमन इन बिटवीन ऑल बोथ तो वो कौन कौन सी टाइल खरीद सकता है वो वन बाय वन की भी खरीद सकता, सकता है और थ्री बाय थ्री की भी खरीद सकता है नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन रानी गीता नसीमा लीव नियर ईच अदर द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 90 फीट दे पाथ ऑफ द रोड टाइल्स रानी शॉर्टेस्ट टाइल गीता लॉन्गेस्ट वन इफ दे टाइल द पाथ विदाउट एनी वट इज द साइज ऑफ द टाइल्स दैट ईच सॉल्यूशंस वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इनके सजेस्ट करने कि वो कौन कौन से साइज की टाइल लेके आ सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस है नाइन्टी फीट ये इसको टाइल करना चाहते हैं तो अगर हम देखें तो नाइन्टी के लिए कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं वन और नाइन्टी टू की टेबल में भी नाइन्टी आता है बिल्कुल आता है टू फोर्टी फाइव नाइन्टी ठीक है थ्री की टेबल में थ्री थर्टी नाइन्टी ठीक है फोर की टेबल में नाइन्टी आता है नो फाइव की टेबल में बिल्कुल आता है फ़ाइव की टेबल में भी नाइन्टी आता है कितने पर आता है एटीन पर आता है ऐसे ही हम डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं कि नाइन्टी किस किस की टेबल पर आता है तो यानी कि अगर वो वन बाय वन का लेंगे तो भी चल जाएगा टू बाय टू की टाइल्स लेंगे तो भी चल जाएगी थ्री बाय थ्री की लेंगे तो भी चल जाएगी जितने भी फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से वो टाइल को परचेज़ कर सकते हैं